आयशा सिंह की वजह से नील भट्ट आखिर क्यों ट्रॉल होने लगे हैं। देखिए आखिर क्या वजह है कि नील भट्ट अब जो आयशा सिंह के साथ जिनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, जिनके साथ बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है सई और विराट की जोड़ी को, आयशा और नील की जोड़ी को इतनी ज़्यादा तारीफ मिलती है, आखिर अब कैसी वजह आन पड़ी है कि मतलब अब आयशा की ही वजह से नील भट्ट बहुत ज़्यादा ट्रोल होने लगे हैं सोशल मीडिया पर। साथ ही साथ देखिए इसके ऊपर इसके लिए आयशा सिंह का भी रिएक्शन आया है, एक मतलब इसी को लेकर आयशा सिंह ने भी रिएक्ट किया है। चलिए आपको इस खबर में पूरा मामला बताते हैं कि आखिर क्यों नील भट्ट ट्रॉल होने लगे हैं सोशल मीडिया पर और फिर उसके बाद आयशा सिंह ने क्या रिएक्शन दिया है इस पूरे मामले पर रिसेंट के एक इंटरव्यू में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट। हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए आयशा सिंह और नील भट्ट की जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। मतलब दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। जब से दोनों ने शो से एग्जिट लिया है तब से शो की TRP में भारी गिरावट देखने को मिली है, जो कि इनके फैंस भी समझ पा रहे हैं कि क्योंकि इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। आयशा सिंह के बहुत सारे फैंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे उनके लिए। तो देखिए जब से उन्होंने क्विट किया है तब से शो की TRP में डेफिनेटली गिरावट एक आनी थी। लेकिन शो के तुरंत बाद, मतलब शो तक तो सब ठीक था, मतलब नील और आयशा के बीच में एटलीस्ट सब चीज़ें नॉर्मल थी। हालांकि ऐश्वर्या शर्मा के साथ आयशा सिंह थोड़ी सी उनके जो बीच की जो एक दोस्ती थी, एक जो आप कहते हो ना कि दोनों के बीच कुछ बन नहीं रही थी सेट पर, तो देखिए वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन नील के साथ आयशा की जो बॉन्डिंग थी वो एकदम नॉर्मल थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे ही शो से क्विट किए दोनों, उसके बाद नील भट्ट ने आयशा सिंह को पहले अनफॉलो कर दिया सोशल मीडिया पर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। जी हाँ, सबसे पहला जो स्टेप था वो नील भट्ट की तरफ से लिया गया था अनफॉलो करने का आयशा सिंह को। बस तब क्या था, उसके बाद से ही आयशा सिंह ने भी अनफॉलो कर दिया नील भट्ट को और फिर नील भट्ट की जमकर किरकिरी हुई सोशल मीडिया पर। उन्हें अनप्रोफेशनल और बहुत सारी चीज़ें कही गई सोशल मीडिया पर। आयशा सिंह के बेसिकली फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस तरीके से नील भट्ट ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। देखिए उसके पीछे वजह जो है वो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या शर्मा ही मानी जा रही हैं, जो नील भट्ट की अभी करंट वाइफ हैं। तो बेसिकली वही वजह मानी जा रही है क्योंकि उनकी आयशा सिंह के साथ बिल्कुल अच्छे टर्म्स नहीं थे और वो दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर चुकी थी जब वो शूट कर रही थी गुम के लिए, तभी की बात है। लेकिन अब नील भट्ट ने भी जो है वो अनफॉलो कर दिया, जिसके पीछे की वजह ऐश्वर्या ही बताई जा रही है। तो बस यही वजह है नील भट्ट के बहुत ही ज़्यादा ट्रॉल होने की। आपको बता दें फैंस बहुत ज़्यादा जमकर ट्रॉल करने लगे नील भट्ट को। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में आयशा सिंह से अनफॉलो वाले नील भट्ट के अनफॉलो करने को लेकर जब सवाल किया गया तो आयशा सिंह ने इस पूरे मामले को इग्नोर कर दिया, उन्होंने पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया। देखिए वो बात सही भी है क्योंकि आयशा सिंह को फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे नील उनको फॉलो करें चाहे ना करें, उनके लिए देखिए उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वहीं नील भट्ट जो है अगर उनके साथ उनकी नहीं बन रही है तो इट्स ओके, वो अनफॉलो कर लिए, तो इसमें आयशा सिंह का तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब सोशल मीडिया पर नील भट्ट ज़रूर ट्रॉल हो चुके हैं और साथ ही साथ आयशा सिंह ने इस पर कोई भी रिएक्शन अपना नहीं दिया है। देखिए आयशा भी जानती है कहीं ना कहीं कि देखिए इट्स ओके, आई मीन हर किसी का अपना अपना बॉन्डिंग और इक्वेशन होती है। तो ये थी इन दोनों को लेकर एक स्टोरी। आपको कैसा लगा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।